इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो पहुंच सके। आपको यह चैनल इसलिए भी सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं यहां आपकी सेहत से संबंधित हर तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूं। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि जो महिलाएं कम संभोग करती हैं उनकी वेजाइना टाइट हो जाती है और जो महिलाएं अधिक संभोग करती हैं उनकी यूनि ढीली हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिर्फ एक मिथ है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट जेनिफर वाइडर का कहना है। डॉक्टर जेनिफर कहती हैं कि वेजाइना इंटरकोर्स के बाद पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है, यहां तक कि बच्चे के जन्म के बाद भी वेजाइना वापस अपनी शेप में आ जाती है। डॉक्टर कहती हैं कि जीवन में सिर्फ दो बार ऐसा होता है जब वेजाइना की शेप लंबे समय तक बदलती है। पहली बार बच्चे के जन्म के बाद, एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद योनि की मसल्स को वापस सामान्य शेप में आने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है। दूसरी बार वेजाइना की शेप तब बदलती है जब आपकी उम्र ढलती है। दरअसल बढ़ती उम्र में महिलाओं के हॉर्मोन्स में बदलाव आता है, यानी बढ़ती उम्र में वेजाइनल वॉल मोटी हो जाती है और कम लचीली हो जाती है। ऐसे में योनि की मसल्स ढीली हो जाती है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि किगल एक्सरसाइज से मसल्स को इम्प्रूव किया जाता है। किगल एक्सरसाइज में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। इस रिसर्च के नतीजों में पाया गया कि यदि संभोग के दौरान वेजाइना टाइट होती है तो इसका ये मतलब है कि वेजाइना ड्राई और आप ठीक से उत्तेजित नहीं हुई है। ऐसे में आपको अधिक फॉपले करने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यह लाल बटन दबा दीजिए और इसके बाद यह जो